हेलो गाइस, मैं हितेश और मेरा वाइफ सुहाना और सियाना, मेरा क्यूट सा बेबी सियाना। देखिए, हम लोग आज संडे है तो आज मूड बना के पूरा फ्रेश होके एक हफ्ते में क्या है, हमको वीकेंड मिलता है तो फुल एंजॉय करना है। सोचा है कि कोटना जाएंगे, बढ़िया प्लेस है, नियर बाय बड़ोदरा। अब देखेंगे कोटना, अब बीच बोलते हैं उसको, कोटना बीच, मगर ये है ना रिवर साइड है तो ठीक है भाई। वडोदरा में इतना तो टूरिस्ट प्लेस है तो पटना को हम लोग कंसिडर किए आज जाने के लिए। उधर कैंपिंग करेंगे और बाकी खाना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, सोचा है लंच भी करेंगे, देखते हैं। थोड़ा मौसम भी अच्छा है, आप देखोगे तो आज बढ़िया मौसम है, और बारिश हो जाएगा तो और भी मज़ा आ जाएगा, वो भी हम उसका भी मज़ा लेने के लिए रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रोड जो है ना पटना की तरफ जा रहे हैं हमारा। हम लोग हरनी से निकले हैं तो इसमें 30 किलोमीटर हमको आएगा। अरे धर्म ग्रीनरी हो गया, एक खासियत है ग्रीनरी से। गाइस, यहाँ पे आपको पूरा विलेज फीलिंग ही होगा। अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं, ये देखिए फील होता है यार, वीकेंड में सही चाहिए। हाँ, वीकेंड तो ऐसे ही चाहिए। हम सोचते हैं सुबह उठ के कौन जाएगा, ऐसे ही हम सोच रहे थे सुबह भी, फिर बाद में ये डिसाइड किया चलो लेट्स गो। ऐसा लगता है क्योंकि सुबह उठते हैं ना, इच्छा नहीं होता जाने के लिए, मगर एक बार निकल गए मतलब सब कुछ बढ़िया है। पर वीकेंड एक बार ऐसा हो गया ना, 6 दिन अच्छा कट जाएगा। नजारा तो देख सकते हैं, जस्ट हम अभी पहुंचने वाले ही हैं, पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, ये जो है मोहिसागर रिवर साइड है, यहाँ पे आप कायकिंग भी कर सकते हैं। हम मम्मी अब इधर नहाएंगे ना। हाँ बेटा नहाएंगे, आपको तो नहाने के अलावा दूसरे कुछ सोचता ही नहीं है। चलो ये हम पहुंच गए कोटना बीच, देखिए आप नजारा देखिए खाली। अभी मैडम ढूंढना चालू कर दिया कहाँ पे कैंपिंग बनाएंगे, अभी कैंपिंग बनाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज कोटना बीच में आ गया हूँ, ये देखिए आप मेरा कैंपिंग साइट है, और मैं आपको 360 एंगल दिखाता हूँ ये कोटना बीच का नज़ारा, बहुत खूबसूरत है। गैस हमारा अभी सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
पूरा कंप्लीट सेटअप है हमारा ये कैंपिंग का। मैं आपको पूरा 360 एंगल भी दिखा दूंगा ये घुटना ब्रिज का, ये देखिए ये महिसागर रिवर है, हम रिवर साइड ही हमने कैंपिंग बनाया है। देखिए इसमें कैंप है, वॉशिंग रूम है और हमारा ये कैंपिंग ट्रॉप भी है। तो कंप्लीट सराउंडिंग में घुमा लेता हूँ एक बार। हम मैडम के पास जाते हैं, मैडम बहुत बिजी आज लग रहा है, बहुत बहुत बिजी। मैडम आज बिजी क्यों हो इतना? खाना बना रही हूं। इतना मेहनत तो मैं कभी देखा ही नहीं, आप फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना मेहनत। आज मैडम क्या स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ नहीं है, आज ब्रेकफास्ट में चाय और पनीर पराठा है। मुझे मगर ये चाय थोड़ा अलग सा लग रहा है आज। अलग कुछ नहीं है, अब मैंने इसके लिए जो ये है पतीला है वो लाना भूल गई थी, तो इसके लिए इसमें चला दिया है। ऐसा है क्या? हाँ। तो ये तो कैंपिंग का है ना, एडवेंचर एक्टिविटीज। हाँ, वो तो हम जुगाड़ करना है कैंपिंग। मलाई चाय हुआ सेम है यार। मामा को हेल्प करो, चाय के बाद अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है 11 बजे। देखो मैडम हम लेट आए ना, इसके लिए 11 बजे। इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना लंच बोलते हैं, बता दो। ब्रेकफास्ट ही है, लंच तो बनाने वाली है। अभी मस्त आपको घी लगा के पराठा दूंगी, घर का बनाया हुआ घी। मेरा घी कहाँ रखी हो? अभी हमारा गरम गरम पराठा रेडी कर दिया मैडम ने, चीज पनीर पराठा, चीज पनीर पराठा। चलो इसका मजा लेते हैं खाने का। जाना भाई पसंद आया लगा है। बस बनना है पराठा।